the past paper of Dow University of Health and Sciences 2017. तो डाउ यूनिवर्सिटी के 2017 के पास पेपर को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, जो कि MBBS या BDS या DPT, PharmD और BS के जो भी प्रोग्राम्स हैं डाउ यूनिवर्सिटी में या JSMU में, उन सब में आपके लिए ये बेनिफिशियल होंगे। तो सबसे पहले इंग्लिश पोर्शन इसका हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री पोर्शन की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो जैसे आप जानते हैं, इंग्लिश में फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर ब्लैंक्स आते हैं और आपको करेक्ट चॉइसेस यू हैव टू फिल इट अप। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सम पीपल डैश क्लेम टू बी वेजिटेरियंस एक्चुअली अलाउ देमसेल्व्स टू ईट फिश एंड चिकन। कुछ लोग जो खुद को क्लेम करते हैं कि वो वेजिटेरियंस हैं, वो असल में मछलियाँ और चिकन, मतलब मुर्गी का गोश्त खा लेते हैं, बस वो सिर्फ गाय का गोश्त नहीं खाते हैं। अक्सर हिंदूज की बात करें तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? यस, इसका आंसर होगा सी, सम पीपल हु क्लेम टू बी वेजिटेरियंस। तो हु के मतलब यहाँ पर है जो, कुछ लोग जो खुद को ये क्लेम करते हैं कि वो वेजिटेरियंस हैं, तो वो असल में फिश और चिकन खाते हैं। तो यहाँ पर ये एक हु लगा, यहाँ पर दिस हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है, दैट इज यू। ठीक है बच्चों, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड इज, देयर डैश मेनी स्टूडेंट्स वेटिंग टू हियर द रिजल्ट्स ऑफ द टेस्ट। ओके, यस, गुड। सो देयर आर मेनी स्टूडेंट्स वेटिंग टू हियर द रिजल्ट्स ऑफ द टेस्ट। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा, और क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, मैंने स्टूडेंट्स प्लूरल है तो आर लगा। नेक्स्ट वी हैव स्पॉटिंग एरर्स। स्पॉटिंग एरर में आप जानते हैं यू हैव टू स्पॉट द एरर। तो ड्यूरिंग द डे देर इज ऑफन टू गार्ड्स एट द एंट्रेंस। यस, गुड। तो ऑफन टू गार्ड्स, क्योंकि दो गार्ड्स हैं, सो गार्ड्स इज एक्चुअली प्लूरल, और प्लूरल के साथ देयर इज नहीं आता, यहाँ पर देयर आर आना चाहिए। तो ये बी में यहाँ पर एरर स्पॉट हो रहा है। तो यहाँ पर जो इशू है, यहाँ पर दिस इज द इशू इज अबाउट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो यहाँ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मसला है। टॉपिक मैं बता रहा हूँ किस टॉपिक से आया क्वेश्चन ये। नेक्स्ट है, बिकॉज ऑफ देयर आइडेंटिकल अपीयरेंस एंड ड्रेस द ट्विंस वर ऑफन मिस्टेकन फॉर ईच अदर। नो एरर। यू कैन यू स्पॉट द एरर इन दिस सेंटेंस। एक्चुअली देर इज नो एरर, द सेंटेंस इज करेक्ट। द सेंटेंस में एरर आपको कोई नहीं मिलेगा, इसके करेक्ट सेंटेंस है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी नीड टू चूज द वर्ड्स मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द कैपिटलाइज्ड वन। मतलब प्रोवोक के क्या मतलब होते हैं? प्रोवोक के मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना, किसी चीज़ को बढ़ा देना, दैट इज कॉल्ड प्रोवोक। यू नीड टू राइट द साइनोनियम ऑफ प्रोवोक। सो व्हाट्स द साइनोनियम ऑफ इट? किसी चीज़ को बढ़ाना, डिफेस, लायोनाइज, रिमूव, पनिश, एग्रेवेट। एग्रेवेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा देना। यस, ठीक है, एग्रेवेट होगा ई ऑप्शन। नेक्स्ट है थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग का मतलब धमकाना।
किसी को थ्रेट करना, उसका फ्लाइटी एग्रेसिव चेस्ट हेलोड ग्लोबल। हाँ, फ्लाइटी का मतलब तो ये होता है मक्कारी, यस एग्रेसिव होगा, फिर एग्रेसिव होना, जारियत होना, किसी को धमकाना, ठीक है, किसी को खौफ दिलाना, दैट इज़ एग्रेसिव। इसका बी ऑप्शन सही है। चेस्ट का मतलब होता है चेस्ट, एसिड से निकला है, मीन्स अनमैरिड होना, शादी ना करना, दैट इज़ चेस्ट। हेलोड मतलब किसी की इज्जत करना, और ग्लोबल का मतलब होता है द वर्ल्ड, दुनिया भर के लिए ग्लोबल इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट टाइम नीड टू रीड राइट द एंटोनिम्स। अब हमें एंटोनिम्स लिखने हैं। एंटोनिम्स मीन्स अपोजिट वर्ड्स, द वर्ड्स विच आर अपोजिट इन मीनिंग। मैंडेटरी, मैंडेटरी का मतलब हो जो ज़रूरी हो, जो जो आप पर फर्ज हो, दैट इज मैंडेटरी। तो मैंडेटरी का अपोजिट क्या हो सकता है, जो ज़रूरी ना हो, मतलब जो आप पर फर्ज ना हो। डिस्पैशनेट, डिस्पैशनेट तो बिना जज्बे के, ए तो नहीं है क्या, बी, बी भी नहीं है। ऑब्लिगेटरी का मतलब यही होता है फर्ज, जैसे द फ्राइडे प्रेयर इज ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल द मुस्लिम्स। वॉलंटरी होगा इसका आंसर। वॉलंटरी इसका मतलब रजाकाराना तौर पर, रजाकाराना तौर पर, मतलब जो आप पर फर्ज ना हो, जो अपनी खुशी से आप करें, दैट इज वॉलंटरी सर्विस जो हम कर रहे होते हैं नॉर्मली वॉलंटरी। ऑनेस्टी, उसको सिंपल है, डिसऑनेस्टी हो जाएगा, बेईमानी, उसको जो हमारा एंटोनिम निकलेगा, अपोजिट निकलेगा। ठीक है, आप केमिस्ट्री पे आते हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट H2S इज फॉल्स। H2S के बारे में कौन सी बात गलत है। H2S हमारे पास एक गैस है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन सल्फाइड। तो वो कौन सी बात है जो फॉल्स है, दैट इज रॉन्ग इन दिस। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये आंसर नहीं हो सकता, इट इज कोवेलेंट कंपाउंड, क्या डी होगा, यस इट इज अ वीक बेस इन वाटर। चूंकि हम जानते हैं कि H2S हमारे पास होता है ना, दिस इज एसिडिक, ये एक एसिडिक गैस है, इसलिए डी ऑप्शन हमारे पास ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो बाकी ए बी सी तो हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए ट्रू है, लेकिन डी जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए फॉल्स है, बिकॉज ये वीक बेस नहीं, इट इज़ एन एसिड इन वाटर, वाटर के अंदर ये एक एसिड तौर पे बिहेव करता है, H+ लिबरेट करता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम इन सी एम क्यूब ऑफ 3.01 × 10²³ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एट STP। STP पर इतने मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीजन, कितने मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कितना होगा। तो हमें पता है वॉल्यूम एट STP बराबर होता है मोल इंटू 22.41 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, ये DM क्यूब में आ जाएगा हमारे पास। तो हम इसको सिंपल इस तरह से देख लेते हैं कि इतने मॉलिक्यूल्स हैं ना, तो ये 0.5 मोल है, चूँकि एवोगाड्रो नंबर का हाफ है, तो दिस इज 0.5 मोल। अब 0.5 मोल हमारे पास ऑक्सीजन गैस है, अब 0.5, अच्छा 1 मोल कितना, 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 1 मोल अगर हो तो उसका वॉल्यूम होता है 22.41 डेसीमीटर क्यूब। आप अगर 0.5 मोल कर देंगे तो उसका हाफ हो जाएगा 11.2 डेसीमीटर क्यूब। अब हमसे आंसर जो पूछ रहा है वो सी एम क्यूब में पूछ रहा है, तो सी एम क्यूब में करने के लिए उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, हो जाएगा 11200 सेंटीमीटर क्यूब, 11200। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम बता सकते हैं वॉल्यूम एट
CMQ STP पर, क्योंकि STP पर आपको पता है 1 mole जो है वो 22.41 डेसीमीटर क्यूब ऑक्यूपाई करता है, तो हाफ मोल कितना करेगा, 11.2 करेगा। अब CMQ में जाना है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज, ये हमारा फर्स्ट ईयर चैप्टर 7 से MCQs आया सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर से, कि सॉल्यूट के अंदर मतलब सॉल्वेंट में सॉल्यूट को जितनी मिकदार होती है उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन हमें ये चीज़ होती है कि कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में मौजूद है, बाकी मोलैरिटी ये सब यूनिट्स ऑफ कंसेंट्रेशन है। इसमें हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन बताते हैं, इसमें हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट बताते हैं, और इसमें हम ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन बताते हैं। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास कि दिस इज कंसेंट्रेशन, इसकी जो है वो करेक्ट डेफिनेशन है कि कितना सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होता है, इसको हम लोग कहते हैं कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो ये चैप्टर 7 से, तो दिस इज़ अ डेफिनेशन ऑफ कंसेंट्रेशन जो ऊपर लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द रिएक्शन दिस, इस रिएक्शन में आयरन के साथ मतलब हो क्या रहा है, तो देखें Fe+Cl2 FeCl3, तो आयरन की वैलेंसी 0 है, Cl की 0 है, बाद में आयरन +3 हो जा रहा है, Cl -1 हो जा रहा है, तो आयरन 0 से +3 पर गया है, मतलब आयरन की खुद ऑक्सीडेशन हुई है, ऑक्सीडेशन मीन्स इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, और क्लोरीन 0 से -3 चला गया है, तो क्लोरीन की यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया बच्चों, दिस इज़ द रिडक्शन इज अकरिंग हियर, रिडक्शन हो रही है, तो Fe इज रिड्यूस, तो नहीं, Fe इज ऑक्सीडाइज्ड, यस। ठीक है, चूँकि आयरन की वैलेंसी 0 से +3 गई है, तो आयरन यहाँ पर ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, और किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी आइटम में अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है थ्रू द रिएक्शन, तो इट मीन्स कि उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, तो Fe यहाँ पर जो आयरन है वो असल में ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज यूज टू कैरी आउट अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इज कॉल्ड, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, तो वो क्या कहलाता है वो प्रोसेस, यस दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया जाता है, और उस इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन होता है, रिडॉक्स मतलब इसके अंदर हमारे पास रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होती है, इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होता है एनोड और कैथोड की साइड पे, और ये रिएक्शन कैसा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होता है जिसमें आपको कंटिन्यूसली एनर्जी प्रोवाइड करना होता है रिएक्शन को कैरी ऑन करने के लिए। तो इलेक्ट्रोलिसिस में जब आप इलेक्ट्रिक करंट रोकेंगे तो क्या होगा कि करंट की मतलब जो प्रोसेस आपका है वो स्टॉप हो जाएगा, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं जो किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती उनको, वो बिना एनर्जी के ही चलते रहते हैं। अ करेक्ट फार्मूला मस्ट, क्वेश्चन 46 है, एक करेक्ट फार्मूले में क्या चीज़ होनी चाहिए, एक करेक्ट फार्मूला अगर हम लिखते हैं, जैसे कि अगर हम लिखते हैं H2O, दिस इज़ अ करेक्ट फार्मूला, इसके अंदर इन चारों में से क्या चीज़ होनी ज़रूरी है, फर्स्ट बी बैलेंस्ड विथ प्रॉपर कोफिशेंट, नहीं ए नहीं होगा, बिकॉज वो इक्वेशंस के लिए बात करते हैं। अ करेक्ट केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड विथ प्रॉपर कोफिशेंट, फॉर्मूले को तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती है ना, ऑलवेज है सबस्क्रिप्ट जरूरी नहीं है, हमारे पास बिना सबस्क्रिप्ट के भी हमारे पास फॉर्मूले होते हैं जिसमें सबस्क्रिप्ट नहीं लगा होता कोई भी, ऑलवेज कन्फर्म टू द वैलेंसी रूल, ऐसा भी जरूरी नहीं है, कोवेलेंट कंपाउंड्स तो वैलेंसी रूल को फॉलो नहीं करते, बहुत सारे कोवेलेंट कंपाउंड है दे डोंट फॉलो वैलेंसी रूल, PCl5 जैसे के, अब यहाँ पर हमारे पास +3 है, यहाँ पर -1 है, -3 -1 है, लेकिन ये वैलेंसी रूल को फॉलो नहीं कर रहा, डी ऑप्शन, ऑलवेज कन्फर्म्स द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को लाजमी ये कन्फर्म करेगा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने पेश किया था, एक साइंटिस्ट हैं जॉन डॉल्टन, उन्होंने पेश किया था। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि जितने भी आइटम्स होंगे वो हमेशा होल नंबर में होंगे,
कि वेन एवर द एटम्स कंबाइंड दे विल बी कंबाइंड इन सिंपल होल नंबर रेशो, मतलब कभी पॉइंट में नहीं आएगा, जैसे H2O हो गया, ये H2SO4 हो गया, ये नाइट्रिक एसिड लिखा तो HNO3 हो गया, कभी भी सब स्क्रिप्ट में नंबर पॉइंट में नहीं आएगा, रेशोस में नहीं आएगा, फ्रैक्शंस में नहीं आएगा, हमेशा होल नंबर में आएगा, विदाउट एनी डेसिमल आएगा। इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो एक जो फार्मूला होता है, करेक्ट फार्मूला, उसका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का फॉलो करना ज़रूरी होता है कि कभी भी उसमें पॉइंट में वैल्यूज़ नहीं है। ठीक है, तो उसका डी ऑप्शन करेक्ट हमारे पास। नेक्स्ट है 47, अ कंपाउंड हु वॉज फाउंड टू कंटेन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशो ऑफ 28 ग्राम टू 80 ग्राम, द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज वॉट। कह रहे हैं मॉलिकुलर मास का रेशियो है 28 ग्राम और 80 ग्राम, बताएं के फॉर्मूला क्या होगा उस कंपाउंड का। नाइट्रोजन जिसमें 28 ग्राम है और ऑक्सीजन उसमें 80 ग्राम है, तो ए तो हो नहीं सकता, बी सी या डी में से एक हो सकता है, जो कि तीनों में N2 है, मतलब 28 ग्राम नाइट्रोजन है। अब 80 ग्राम ऑक्सीजन किसमें होगा, अब आपको पता है 16 है ना, 18 फाइव ज़ा हमारे पास कितना होता है, 80 ग्राम का रेशियो आ रहा है ना इसके अंदर। हाँ, वो 4 18 4 4 32 4 4 ये तो 72 आ रहा है, मतलब करीब करीब है, राउंड ऑफ कर दे इसको। चल अगर हम इसको देखते हैं, ये हमारे पास 14 है और ये हमारे पास 16 है, 14:16। ठीक है, तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 28, इसको अगर हम 5 से कर दें तो 90। तो कंपाउंड वॉज फाउंड टू कंटेन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 28:80, द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, ऐसा हम इनको मल्टीप्लाई करके हम किसी जरूरत में 3 है ना, 5 से 4 नहीं, आई थिंक इसमें आंसर हमारे पास NO होना चाहिए रेशोज में, या चलो NO नहीं तो हम से सी कह रहे हो तुम लोग, डाई नाइट्रोजन टेट्रो, राउंड ऑफ कर दे रहे हैं, मतलब 72 80 में, चलो सी कर लेते हैं, ये ज़्यादा बेहतर है, इजी है। ठीक है, तो N2O4 दैट इज डाई नाइट्रोजन टेट्रो ऑक्साइड, वो हमने राउंड ऑफ कर लिया वहाँ पर। हाँ, NO नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये, हाँ NO नाइट्रिक ऑक्साइड वाला है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, सही है। 48 है कि व्हेन बीटा पार्टिकल्स आर सेंट थ्रू अ थिन मेटल फॉइल मोस्ट ऑफ देम गो स्ट्रेट थ्रू द फॉइल एस, ये हमारे पास फर्स्ट ईयर चैप्टर 3 से है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। कह रहे थे बीटा पार्टिकल्स को एक थिन फॉइल से पास किया जाता है तो ज़्यादातर फॉइल से पास हो जाते हैं, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है ये, आपने पढ़ा होगा उसको, रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट है ये, रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट है, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि अल्फा रेस को पास करते हैं थिन मेटल फॉइल से, जिससे ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे चले जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रदरफोर्ड ने बताया था एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट एम्प्टी होता है, तो उसके लिए उससे सीधे निकल जाते हैं और मतलब डिफ्लेक्शन नहीं होती है, उससे पार हो जाते हैं, तो उसका क्या ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा ना भाई, मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस, सभी तो उससे ज़्यादातर विदाउट एनी डिफ्लेक्शन स्टेट चले जाते हैं अल्फा पार्टिकल्स। ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में पढ़ा होगा आपने, एक्सपेरिमेंट जो था गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ M+2 आयन इज दिस and its atomic weight is 56 mu, the number of neutrons in its nucleus is, क्योंकि number of neutron निकालने का क्या formula होता है, number of neutron होता है a minus z, मतलब atom मतलब mass number minus atomic number, तो mass number इसमें है 56, atomic number क्या है, atomic number कह रहे हैं कि अच्छा यह m plus 2 आयन है, m plus 2 मतलब इससे दो electron निकले हैं,
तो ये 18 प्लस, तो ये हो जाएगा 8 प्लस टू 10 और 10 प्लस 4, सबको प्लस कर दोगे, दैट्स 24. 24 इसके आ गए इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन प्रोटॉन 24 नहीं होंगे क्योंकि प्लस टू आयन है. प्लस टू आयन का मतलब ये होता है कि इससे दो इलेक्ट्रॉन निकले हुए, तो आपको दो ऐड करना होगा, तो 26 हो जाएगा ना ये प्रोटॉन इसके अंदर. तो 56 में से 26 माइनस करें, क्या आंसर आएगा, 30 आएगा. तो 30 इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे. तो हमने मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दिया. और एटॉमिक नंबर कैसे निकाला हमने, चूँकि वहाँ पर एम प्लस टू आयन था, तो तमाम इलेक्ट्रॉन्स को हमने पहले तो प्लस किया, फिर चूँकि दो इलेक्ट्रॉन निकले हुए थे तो दो ऐड कर दिया उसके अंदर, तो हमारे पास एटॉमिक नंबर आ गया. तो इस तरह से 30 आंसर आ गया इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वांटम नंबर के टॉपिक से, दिस इज ऑल्सो फर्स्ट ईयर चैप्टर 3. ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर 3 है. इसमें कह रहा था क्वांटम नंबर्स प्लस हाफ एंड माइनस हाफ फॉर द इलेक्ट्रॉन स्पिन रिप्रेजेंट. क्वांटम नंबर आपको पता है कि ये क्वांटम नंबर हमारे पास है स्पिन क्वांटम नंबर. दीज आर द स्पिन क्वांटम नंबर्स जो इलेक्ट्रॉन के स्पिन बताते हैं इन इट्स ओन एक्सेस. आप कह रहे हैं कि इसको ऐसे शो किया जाता है, देखिए कह रहे हैं प्लस हाफ एक के माइनस हाफ है. प्लस हाफ जो आती है वो आती है बिकॉज ऑफ एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन की वजह से. और माइनस हाफ आती है बिकॉज ऑफ क्लॉकवाइज स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो अब कह रहे हैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पहला वाला कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज स्पिन को, दूसरा वाला कर रहा है क्लॉकवाइज स्पिन को. तो पहला वाला एंटी क्लॉकवाइज, सो रोटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली, ये ऑप्शन. तो प्लस हाफ एंटी क्लॉकवाइज को शो करता है और माइनस हाफ क्लॉकवाइज रोटेशन को शो करता है इलेक्ट्रॉन की. ये स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यूज हैं वो दो होती हैं, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ. नेक्स्ट कह रहे हैं कि 1 लीटर ऑफ अ गैस वेज 2 ग्राम एट 300 केल्विन ऑन 1 ATM प्रेशर. इफ द प्रेशर इज मेड 75 ATM एट विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर्स विल 1 लीटर ऑफ द सेम गैस वे 1 ग्राम. सो इन दिस क्वेश्चन देर इज अ मिस्टेक. इसमें चार ऑप्शन नहीं आएंगे, इसमें ये इन्होंने 0.75 किया ना, ये 0.75 ATM होगा. ये जिस साल पेपर आया था क्वेश्चन 51 में पूरे कराची को फ्री में नंबर दिए गए थे, क्योंकि आंसर क्वेश्चन इज रॉन्ग, तो उसमें से किसी का कोई आंसर नहीं आ रहा था. तो 0.75 ATM होगा तो करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा. क्योंकि शुरू में NTS लिया करती थी एग्जाम, तो NTS का रूल था कि अगर कोई गलत क्वेश्चंस होते थे तो फिर वो उसके नंबर दे दिए जाते थे. कह रहे 1 लीटर ऑफ अ गैस, 1 लीटर गैस का इनिशियल वॉल्यूम है, उसका वेट 2 ग्राम है, दिस इज इनिशियल मास, एंड 300 केल्विन इनिशियल टेम्परेचर, एंड 1 ATM प्रेशर, ये इनिशियल प्रेशर है. इफ द प्रेशर इज मेड 0.75 ATM, अगर प्रेशर को कम कर दिया जाए 0.75 ATM किया जाए, तो एट विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर, तो आपको टेम्परेचर बताना है T2, विल 1 लीटर ऑफ द सेम गैस, V2 भी सेम है, 1 लीटर है, वे 1 ग्राम, उसका वेट होगा 1 ग्राम. यहाँ पर हम जनरल गैस इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे. जनरल गैस इक्वेशन हमारे पास होता है P=nRT, दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन. अब चूँकि दो गैस हैं तो P1V1/P2V2=R, तो कॉन्सेंट रहेगा, तो N1T1/N2T2. अब यहाँ P1 है, V1 है, P2 0.75 है, V2 हमारे पास 1 है, N1 है इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स. इसके लिए क्या करेंगे, मास अपॉन मॉलिकुलर मास, 2 मास है, मॉलिकुलर मास नहीं पता तो एक ही गैस है तो MW लिख दिया. और N2 में भी मास अपॉन मॉलिकुलर मास, तो ये N2 फाइनल वॉल्यूम, वॉल्यूम फाइनल मास जो हमारे पास कह रहे हैं वो 1 ग्राम कह रहे हैं, ठीक है M2, तो ये हमने 1/MW कर दिया इनटू टेम्परेचर. टेम्परेचर मालूम करना है, T2 कह लो आप उसको, T कह लो मर्जी है. अब यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे टेम्परेचर के लिए, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 450 केल्विन. तो 450 केल्विन हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा. तो ये हमने फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया, मैंने साइड में आपको सोल्यूशन दिखाई भी है करके कि हाउ दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व. तो यहाँ पर ये आंसर कभी भी 75 जब तुम रखोगे ना, यहाँ पर 75 रख दोगे तो कभी भी आंसर नहीं आएगा. तो 0.75 रखोगे तो सॉल्व आउट करोगे तो इजिली आपका आंसर 450 केल्विन आ जाएगा. तो P1/T1=N1T1/N2T2 इस तरह हमने निकाल लिया, मतलब जनरल गैस इक्वेशन को कंपेयर कर लिया हमने दोनों के, ठीक है, कम रेशो में ले लिया. 52 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गैसेस
है सेम रेट ऑफ डिफ्यूजन, कौन से पेयर ऑफ गैसेस के रेट ऑफ डिफ्यूजन हमारे पास जो है वो सेम आएंगे, ठीक है। मतलब आपको पता ही है हमारे पास चैप्टर टू से लिया जा रहा है क्वेश्चन, चैप्टर टू से लिया जा रहा है, और जो टॉपिक है उसका नाम है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। तो ग्राहम्स लॉ से लिया जा रहा है, ग्राहम्स लॉ क्या कहता है, सेम मॉलिकुलर मास जिसका होगा उनके सेम रेट ऑफ डिफ्यूजन होंगे। अब यहाँ देख लेते हैं, CO2 का 44 है, N2O कितना होता है 28 plus 16, 6 6 12, ये 44 ही निकल लेगा इसमें, 28 और 16 कितना हो जाएगा, ये पहला वाली करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास, जिसमें मॉलिकुलर मास सेम आते हैं तो फिर रेट ऑफ डिफ्यूजन सेम होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और N2O का, N2O आपको पता है दिस इज कॉल्ड नाइट्रस ऑक्साइड, ये हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड गैस है, इसी को हम एक और नाम देते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, दिस इज नोन एज लाफिंग गैस, हंसी आती है इसको सूंघने से, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड लाफिंग गैस। तो लाफिंग गैस और कार्बन डाइऑक्साइड का रेट ऑफ डिफ्यूजन सेम है, सेम एट स्पीड से डिफ्यूज करेंगे, सेम एट स्पीड से फैलेंगे, बिकॉज द मॉलिकुलर मास ऑफ दीज टू गैसेज आर सेम, ठीक है। बाकी नीचे नहीं जाएंगे, बाकी नीचे में अलग ही होगा, घर पर चेक कर लेना आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट है, फॉर द इक्विलिब्रियम रिएक्शन दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर वुड, अगर इस रिएक्शन में टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो फिर क्या होगा, व्हाट विल हैपन व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का, और टॉपिक हमारे पास कौन सा है इसमें, ली चैटलेयर्स प्रिंसिपल, ठीक है, ऐसा एक प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा। ये कह रहे हैं कि रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें प्लस 61 किलो जूल दे दिया जा रहा है, एंथैल्पी चेंज चूंकि पॉजिटिव दिया गया तो इससे ये साबित होता है कि रिएक्शन एक एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक में जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, डिक्रीज करते हैं तो बैकवर्ड आता है, तो राइट साइड पर रिएक्शन हमारा शिफ्ट होगा, तो N2O4 की तादाद बढ़ेगी, तो फेवर द फॉर्मेशन ऑफ N2O4, जैसे N2O4 की जो फॉर्मेशन है ना डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड की, वो इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा, वाइट विल मूव फॉरवर्ड बिकॉज इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंड अकॉर्डिंग टू लीच चार्ट प्रिंसिपल इफ द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक देन द इंक्रीज इन टेम्परेचर विल शिफ्ट द रिएक्शन टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, सिंपल बात है। तो ये लीच चार्ट प्रिंसिपल का टॉपिक है, यहाँ से MCQs आया है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं हर एक टॉपिक से कोई ना कोई MCQs निकाल लेते हैं, वो को फिक्स नहीं करते भाई इसी टॉपिक से लेंगे, वो कोई भी टॉपिक उठा सकते हैं। क्वेश्चन 54 है, द वैल्यू ऑफ K फॉर दिस रिएक्शन इज 1.80, रिवर्सिबल रिएक्शन है, इफ़ वन मोल ईच ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लेस इन 1 लीटर फ्लास्क द फाइनल इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ CO एट दिस टेम्परेचर विल बी, तो ये असल में KC दिया हुआ है, असल में K नहीं है KC है, K तो रेट कॉन्स्टेंट होता है, तो KC है, चैप्टर 6 से न्यूमेरिकल दिया गया, उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो आइस टेबल बनेगी, मैंने आपको बताया था H2 प्लस CO2 ये बन रहा है H2O प्लस CO, अब आइस टेबल बनेगी, आइस टेबल में आपको पता है 3 चीज़ होती हैं ICE, इनिशियल चेंज इक्विलिब्रियम, इनिशियली कह रहे दोनों के 1 मोल हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसका भी हमारे पास 1 मोल है, इसका भी हमारे पास 1 मोल है, और शुरू में इनिशियल आपको पता है 0 मोल्स होते हैं प्रोडक्ट के, अब इसमें कमी आएगी और इसमें ये बढ़ेगा, अब ये 1 - x हो जाएगा, ये 1 - x, ये 0 + x, ये 0 + x, इसी x की वैल्यू आपको मालूम करनी है, क्योंकि आपको बताना है कि इक्विलिब्रियम में कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है। अब इसके लिए क्या फॉर्मूला हमारे पास होता है, KC बराबर होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या है भाई, H2O और CO है, और रिएक्टेंट हमारे पास H2 है और CO2 है, और KC की वैल्यू भी गिवन है, KC हमारे पास गिवन है 1.80 इज इक्वल टू H2O हमारे पास है X और CO भी X है, और ये दोनों हमारे पास 1 - x 1 - x है, तो 1.80 इक्वल टू X स्क्वायर अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्क्वायर रूट बोथ साइड करके स्क्वायर ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है, टेकिंग रूट बोथ साइड, एक्स निकालना है ना अभी, तो रूट ले लेते हैं, ये 1.80 का रूट हो जाएगा, ये
इज इक्वल टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स। अब इसको x के लिए जब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे ना, तो 0.5 करके कुछ समथिंग वैल्यूज हमारे पास आएंगे जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 0.531, मतलब 0.5 आएगा, बाकी उसके बाद आप कुछ भी आया फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाकी 0.2, 0.3, 0.4 में देखो इजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं एक्स के लिए, ठीक है, समझवा की बात। तो ये इस तरह से इसको सॉल्व करना होगा। ये थोड़ा न्यूमेरिकल दिया उन्होंने केसी का, चैप्टर 6 में आता है ना ये न्यूमेरिकल, केसी वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लास्ट भी टाइम भी किया था तो एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ था, आइस टेबल वाला जो आया था पिछले क्लास में जब हम थे। अब ऑर्गेनिक के क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं, क्वेश्चन 55 में व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, क्या बताएं इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा। तो क्वेश्चन दिया है उसके चार आंसर से, तो ये हमारे पास दिया हुआ है दिस इज टॉलोइन, है ना बच्चों, मिथाइल बेंजीन जिसको हम लोग कहते हैं, दिस इज टॉलोइन CH3 लगा है, उसमें C2H5C डबल बॉन्ड CL ये ऐड कर रहे हैं, मतलब इसको ऐड किया जा रहा है। अब आपको पता है CL जो हमारे पास है, CH3 जो हमारे पास है, ये हमारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, अच्छा ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, मेटा डायरेक्टर तो नहीं है। तो दिस इज बेंजीन का रिएक्शन है C2H5C डबल बॉन्ड CL के साथ, AlCl डिग्री बेंस में होनी चाहिए, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सही है। लेकिन ये हमारा डायरेक्टर हमारे पास जो CH3 होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप से भी ताल्लुक रखता है, अब यहाँ से हमारे पास ये नेगेटिव, ये पूरा पॉजिटिव जोड़ कर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर अटैक करेगा, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास। तो हमें पता है कि ये फर्स्ट पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन, हम बेंजीन को जब लेते हैं तो बेंजीन में अगर यहाँ पर अगर CH3 अटैच हो गया तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 टू और सिक्स पोजीशन हमारे पास ऑर्थो होती है, 3 और 5 हमारे पास मेटा पोजीशन होती है, और 4 हमारे पास पैरा पोजीशन कहलाता है बेंजीन के अंदर। तो यहाँ पर अगर देख सकते हैं कि 1 यहाँ मिथाइल लगा हुआ है, CH3 कुछ नहीं लगा हुआ तो मिथाइल है, तो 1, 2, 3 पर लगा हुआ है इसमें, यही चीज़ लगी है, C डबल बॉन्ड है उसके बाद C2H5 लगा हुआ है, और यहाँ पर 1, 2, 3, 4 यहाँ पर लगा हुआ है, 1, 2, 3 पर जाकर लगा हुआ है CL, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैक करेगा, और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास जाकर CH2H5 C डबल बॉन्ड हो ये अटैक करेगा जाकर, ठीक है। तो अब इसमें या तो A होगा या तो B होगा, अब यहाँ पर देखिए थर्ड पर है, यहाँ पर 4 पर है, तो हमें पता है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो या तो ऑर्थो पे लगा गया तो पैरा पर लगाएगा, या तो 2, 4 पर या तो 6 पर, तो हमारे पास बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जो ये ग्रुप आकर लगेगा ना पूरा का पूरा, ये 2, 4 या 6 पोजीशन पर लगेगा, यहाँ पर 3 पर लगा हुआ है मेटा पोजीशन पर, और मिथाइल चूँकि मेटा डायरेक्टर नहीं है इसलिए मेटा पर कभी ये ग्रुप लगाएगा नहीं। तो ये जो इस तरह बना हुआ है ना, दिस इज CH2 और ये CH3, तो बात तो वही हो गई कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसके बाद C2H5, तो ये बी ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट हमारे पास है। तो ये चैप्टर 7 से लिया गया हमारे पास MCQs, जिसमें हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे हैं एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के अंदर, कि पहले से अगर एक रेडिकल लगा हो रहा तो फिर ये रेडिकल फैसला, ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये फैसला करेगा कि आपका मेन इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पर आकर अटैचमेंट करेगा, कि वो ऑर्थो पैरा मेटा किस पर करेगा। तो ये इसके चूंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है तो ऑर्थो और पैरा पर जाकर अटैचमेंट कर लेगा, तो ऑर्थो तो है नहीं ग्रुप, तो पैरा पे हम अटैचमेंट कर देंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, एक और रिएक्शन इसका प्रोडक्ट आपसे पूछ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो हमारे पास कंपाउंड दिया हुआ है ना इस तरह से, ये कंपाउंड ये है कि कार्बन मतलब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हुआ है, एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ CH3 है, तो ये यही कंपाउंड है, इस तरह से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिया गया, इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हमारे पास होते हैं इनको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स कहा जाता है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास असल में जो दिया हुआ है, दिस इज एक्चुअली एसिटाल्डिहाइड, ये एसिटाल्डिहाइड है, ये इथेनॉल जिसको आप कहते हैं दो कार्बन वाला एल्डिहाइड,
इसका रिएक्शन हो रहा है। आप इसमें देखो, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, दिस इज प्रोपानॉल या प्रोपाइल अल्कोहल ही। तो हमें एल्डिहाइड का रिएक्शन प्रोपाइल अल्कोहल से करना है, प्रोपाइल अल्कोहल मतलब C3H7OH से करना है। अब उसमें रिएक्शन इस तरह से होता है कि एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है हमारे पास से, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आता है, प्लस माइनस होता है, ये जाकर इधर अटैक करता है और ये जाकर इधर अटैक करता है। तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा CH3 कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास फिर हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पर C3H7O, OC3H7 आ जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा। अब अगर आप इसमें स्ट्रक्चर को देखेंगे कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है, तो यहाँ पर चूँकि डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो ये तो सी और डी तो बन नहीं रहा, डबल बॉन्ड ख़त्म हो गया। अब बी और डी में क्या बन रहा है, डी हमारे पास बन रहा है, क्योंकि देखें ऑक्सीजन के साथ कार्बन कार्बन कार्बन, ये पूरा जो ग्रुप हमारे पास है दिस इज़ OC3H7, ठीक है, प्रोपॉक्सी ग्रुप कहला रहा है। फिर ये कार्बन के साथ जुड़ा है OC3H7, ये कार्बन के साथ जुड़ा है, कार्बन के एक तरफ CH3 अटैच्ड है और एक तरफ कार्बन के OH ग्रुप की अटैचमेंट हो रही है। तो हम असल में इंटरमीडिएट में नॉर्मली हम क्या करते हैं, इस तरह से बनाते हैं स्ट्रक्चर्स को, लेकिन एप्टीट्यूड लेवल के अंदर आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी आता है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कार्बन नहीं मेंशन होता है, लेकिन हर किनारे कार्बन को मुश्तमिल होता है, हर कोने में कार्बन है, हर एक वर्टेक्स पे कार्बन है। तो पहले तो हमें ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ये किस तरह से बन रहा है, फिर हम उसको बॉन्ड लाइन में कन्वर्ट करेंगे। तो दिस इज़ अ टिपिकल क्वेश्चन, एक मुश्किल सवाल है जो कि डाओ में आस्क किया जाता है। इसी तरह से एक और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में क्वेश्चन 57 भी आया है, इसमें भी आपसे वही पूछ रहे हैं कि प्रोडक्ट क्या है, फाइनल प्रोडक्ट क्या है। अब देखो यहाँ पर भी सेम, अब मैंने तो सिखा दिया किस तरह से होगा, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, तो ये हमारे पास 1, 2, 3, 4 कार्बन वाला है। तो ये हमारे पास ब्यूटायरिक एसिड है, ब्यूटायरिक एसिड या ब्यूटानोइक एसिड जिसको आप कह सकते हैं, और ये SOCl2 है, दिस इज कॉल्ड थायोनिल क्लोराइड। अब जब थायोनिल क्लोराइड का रिएक्शन होगा ब्यूटायरिक एसिड से या ब्यूटानोइक एसिड से, तो क्या होगा, यहाँ से OH हट जाएगा और इसकी जगह पर यहाँ से Cl आकर अटैक कर लेगा यहाँ पर। अब देख लो चार कार्बन होंगे और Cl लगा होगा, 1, 2, 3, 4 कार्बन होंगे, Cl लगा होगा, ये हमारे पास बन जाएगा कंपाउंड, ठीक है। तो दिस इज ब्यूटायरिल क्लोराइड, इसको हम कह सकते हैं जो कंपाउंड बना हमारे पास, या इसको हम IUPAC में अगर हम नाम दें तो ब्यूटानोइल क्लोराइड भी इसको हम कह सकते हैं। तो जब भी SOCl2 का या फिर हम PCl3 PCl5 का रिएक्शन कराते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो जो OH ग्रुप है OH का बॉन्ड क्लैवेज होता है, उसकी जगह पर जो हैलोजिन होता है ना, जैसे Cl था वो हैलोजिन आकर अटैच कर जाता है, तो ये स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है सिंपल, ठीक है। चार कार्बन वाला हमारे पास एसिड हैलाइड बनता है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन 57। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन इंडिकेट्स द प्रोडक्ट इज लीस्ट स्टेबल। कौन से हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू से हमें पता लग रहा है कि ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है ये लीस्ट स्टेबल है, सबसे कम स्टेबल है। तो ये फर्स्ट ईयर चैप्टर 5 से MCQs है, ये फर्स्ट ईयर चैप्टर 5 से MCQs है। देखो लीस्ट स्टेबल कैसे होगा, जितनी ज़्यादा नेगेटिव में वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है, मतलब ग्रेटर नेगेटिव वैल्यू ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ΔHF शोज ग्रेटर स्टेबिलिटी। जितना ज़्यादा नेगेटिव में वैल्यू आएगा ना उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव में वैल्यू होगा उतना ज़्यादा अनस्टेबल होगा। आपसे पूछ रहा है लीस्ट स्टेबल कौन सा है, तो प्लस में सबसे बड़ी वैल्यू आप उठा लें, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 64.8 किलो कैलोरी। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी होगी कि ग्रेटर नेगेटिव वैल्यू ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन शोज ग्रेटर स्टेबिलिटी, ठीक है, तो इस लिहाज से आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट है, द एंथैल्पी ऑफ सर्टेन रिएक्शन एट 273 केल्विन इज -20.75 किलो जूल। द एंथैल्पी ऑफ द सेम रिएक्शन एट 373 केल्विन इफ हीट कैपेसिटीज ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज सेम विल बी। कह रहे हैं कि रिएक्शन है, उसके एंथैल्पी की वैल्यू डेल्टा एच की वैल्यू किसी एक रिएक्शन के लिए 273 केल्विन है, 273 केल्विन है, मतलब 273 केल्विन टेम्परेचर पर -20.75 किलो जूल। ये एंथैल्पी है, ये टेम्परेचर है, मतलब ये इसको डेल्टा एच1 कह दो, इसको T1 टेम्परेचर माने। इसी सेम रिएक्शन के एंथैल्पी 373 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगी,
मतलब 100 डिग्री अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे एंथैल्पी -20.75 से कितना हो जाएगा, और हीट कैपेसिटी यहाँ पर कह रहे रिएक्टेंट प्रोडक्ट की सेम है, हीट कैपेसिटी जो है वो सी पी से इसको हम शो करते हैं ना भाई, तो हीट कैपेसिटी जो है वो दोनों के सेम है, रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट्स की एक जैसी है। अब इसको कैसे पता लगेगा, देखो हमारे पास डेल्टा एच वन -20.75 है, मतलब जितना चेंज हो रहा है, टी वन हमारे पास 273 है, टी टू हमारे पास 373, 100 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। अब ये हमें पता है कि यहाँ पर प्रोडक्ट की जो हीट कैपेसिटी है वो रिएक्टेंट की हीट कैपेसिटी के बराबर है, हीट कैपेसिटी को सी पी से शो करते हैं फिजिक्स के अंदर, दोनों बराबर हैं। तो चेंज इन सी पी कितना हो गया हमारे पास, दिस इज ज़ीरो, चेंज जो आया वो चेंज कुछ भी नहीं आया, और एंथैल्पी जो चेंज हमारे पास आता है उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा सी पी इंटू डेल्टा टी, जितना चेंज आया उसको चेंज इन टेम्परेचर से हम मल्टीप्लाई कर दें। अब डेल्टा एच कितना चेंज इन एंथैल्पी आया है, डेल्टा सी पी ये ज़ीरो हो गया हमारे पास, और टेम्परेचर में चेंज कितना आ रहा है, 100 का आ रहा है, तो जब जीरो को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। इसका मतलब अगर हीट कंटेंट, हीट कैपेसिटी रिएक्टेंट प्रोडक्ट की सेम हो तो सूरत में एंथैल्पी चेंज कुछ भी नहीं आता, वो सेम रहता है, तो इसका मतलब इसका आंसर हमारे पास सेम यही हो गया, ए -20.75 किलो जूल, चूँकि जो मैंने यहाँ पर सॉल्व किया राइट हैंड पे आप देख सकते हैं कि वो हमारे पास सेम ही आ जाएगा, चेंज इन एंथैल्पी कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की हीट कैपेसिटीज़ बराबर आ रही है। ठीक है, इसको फिजिक्स में भी हम डिस्कस करते हैं हीट कैपेसिटीज वगैरह को। मोस्ट अबंडेंट सॉल्ट ऑफ सोडियम इन नेचर इज, सोडियम का कौन सा सॉल्ट दुनिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, NaCl, गुड वेल डन भाई, NaCl डी ऑप्शन, NaCl सबसे ज़्यादा पाया जाता है तमाम सॉल्ट में से, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट, NaOH में से NaCl ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट को आप जानते हैं, दिस इज कॉल्ड चिली सॉल्ट पीटर, चिली सॉल्ट पीटर, और जो हमारे पास NaOH है दिस इज़ कॉल्ड कॉस्टिक सोडा, और NaCl हमारे पास इसको आप हैलाइड कह सकते हैं, या फिर आप इसको कॉमन सॉल्ट कह सकते हैं, या फिर आप इसको टेबल सॉल्ट कह सकते हैं, बताया था पिछली क्लास में भी। ठीक है, देखिए नाम है सारे के, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉमनली यही पाया जाता है, अ गैस दैट रिएक्ट्स विद CaO एंड नॉट विद NaHCO3, इनमें से वो कौन सी गैस है जो कैल्शियम ऑक्साइड से तो रिएक्शन करेगी लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन नहीं करेगी, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब कोई क्लाइम से तो रिएक्शन करेगी लेकिन NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट से वो रिएक्शन नहीं करेगी, NaHCO3 से रिएक्शन नहीं करेगी। रीज़न बताया था, जैसे ए ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास करेक्ट है, कैसे, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके CaCO3 बना लेता है ना भाई, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन, दिस इज लाइमस्टोन, तो लाइमस्टोन बना लेगा, ये रिएक्शन तो होता है, लेकिन NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन आप CO2 के साथ नहीं कर सकते, इसका कार्बन डाइऑक्साइड कोई रिएक्शन नहीं है। हाँ, अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट को थर्मली डिकम्पोज करेंगे, हीट करेंगे, तो ये सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक हो जाएगा, मतलब आपस में सोडियम बाइकार्बोनेट और CO2 का कोई रिएक्शन नहीं होता। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर वो गैस है जो कैल्शियम ऑक्साइड से तो रिएक्शन कर रही है लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा से नहीं कर रही है। 62 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, सही है, ठीक है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है H3PO3 के बारे में, H3PO3 आपको पता है दिस इज कॉल्ड फॉस्फोरिक एसिड, एक वीक एसिड होता है ये, इट इज़ डाई बेसिक, अच्छा बेसिसिटी कितने निकलेगी H3PO3 की, जितना हाइड्रोजन है ना उतनी बेसिसिटी होती है, अब हाइड्रोजन इसके अंदर 3 है तो इसकी बेसिसिटी 3 है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये कैसा है भाई, एक ट्राई बेसिक एसिड है, तो ये इसका मतलब कि ए और डी तो कट गया, अब या तो बी है या तो सी है, और जितने भी एसिड्स होते हैं हमें पता है जितने भी एसिड है, चाहे H3PO4 हो, H2SO4 हो, नाइट्रिक एसिड हो, जितने भी ऑक्सीजन वाले एसिड्स होते हैं ना वो सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी रखते हैं, वो सारे के सारे हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। यहाँ पर अब करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारे पास, सी हो गया, फिर ट्राई बेसिक होगा और नॉन रिड्यूसिंग होगा, ऑक्सीडाइजिंग है ना चुके हैं, रिड्यूसिंग नेचर नहीं है इसका, तो जितने भी एसिड्स होते हैं वो सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी रखते हैं, और बेसिसिटी कैसे निकाली हमने देख लिया उसको, हमने जितना हाइड्रोजन उतनी बेसिसिटी, तो सी ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट है, द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ अ हाइड्रोकार्बन इज शोन बिलो,
विच स्ट्रक्चर इज एन आइसोमर ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन। तो बहुत आसान सवाल है ये चैप्टर नंबर 6 से है, सेकेंडरी केमिस्ट्री से, आइसोमेरिज्म हर सवाल साल आता है। इसका आइसोमर ढूंढना, आइसोमर क्या होता है, सेम फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। अब बस आप ये देख लो ना कि इसके कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4 C4O के हाइड्रोजन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 C4H10 है ये। अब आप देख लो दूसरा C4H10 क्या है इसके अंदर, चार कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। ये चार कार्बन, ये हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यस बी हो गया। मतलब सेम फॉर्मूले पर सेम स्ट्रक्चर अलग हो जाए चाहिए, फॉर्मूला सेम रहना चाहिए, वो हमारा आइसोमर है। तो हमसे ये पूछा कि कौन सा स्ट्रक्चर आइसोमर है हाइड्रोकार्बन का, तो वो वाले ये एन ब्यूटेन है, वो हमारा आइसोब्यूटेन है। अगर आप उसको देखेंगे ना सारा स्ट्रेट चेन में आ जाएगा, ये कंटिन्यूस चेन में। तो ये हमारे पास नॉर्मल ब्यूटेन है और इसमें चेन से बाहर एक कार्बन जा रहा है, दिस इज आइसोब्यूटेन। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं, चेन आइसोमर्स है जिसको आप स्केलेटल आइसोमर्स कह रहे होते हैं, ये वो हैं। आप उसमें क्लियर है सर। नेक्स्ट है 64 है, व्हाट वुड बी एन अमोनियम ग्रुप अफेक्ट ऑन बेंजीन रिंग फॉर दिस। कह रहे कि बताएं ये जो हमारे पास ये जो ग्रुप दिया हुआ है, ये ग्रुप का अफेक्ट क्या है, मतलब ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग है, कौन सा ग्रुप है। ठीक है, देखो ये हमारे पास जो मौजूद है ना NR3, देखो नॉर्मली अगर NR3 लिखा होता है ना टर्शियरी अमाइन NR3 दो डॉट्स के साथ, तो ये हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है और साथ में हमारा एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देता है। लेकिन यहाँ पर कुछ और है, N पे प्लस चार्ज लगा हुआ है, तो ये एक अमोनियम ग्रुप है N प्लस। अब N प्लस है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर दे नहीं सकता, ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे नहीं सकता बेंजीन रिंग को, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चूंकि इलेक्ट्रॉन पेयर दे नहीं सकता ये बेंजीन को, तो इस वजह से ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा, इलेक्ट्रॉन पेयर खींच लेगा उससे, बजाय देने के इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से खींच लेगा। तो पहली बात तो डीएक्टिवेटिंग है, अब डीएक्टिवेटिंग है या तो ए हो सकता है या तो सी हो सकता है। अब डीएक्टिवेटिंग के साथ मेटा डायरेक्टिंग है या फिर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अब डीएक्टिवेटिंग तो है, लेकिन चूंकि यहाँ पर डीएक्टिवेटिंग होने के साथ ये क्या करता है, जब भी हम ये ग्रुप यूज़ करते हैं ना अमोनिया ग्रुप या अमाइनो ग्रुप, तो वो हमारे ऑर्थो पैरा पर शिफ्ट करता है आने वाले अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को, जो मोज़ेक प्रोटीन हमारे पास बनता है वो ऑर्थो पैरा पर बनता है। तो ये डीएक्टिवेट भी करेगा बेंजीन रिंग को और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी होगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट यहाँ पर है कि बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करेगा, लेस सिलेक्टिव बना देगा, ये एन पे जब प्लस आएगा और साथ में ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और तो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर शिफ्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट सॉल्वेंट फॉर SN2 रिएक्शन। इनमें से कौन सा बेस्ट सॉल्वेंट है SN2 रिएक्शन के लिए, SN1 SN2 ये आपने पढ़ा होगा, इसको सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 8 में दो तरह के रिएक्शन होते हैं हमारे पास, एक होता है SN1 SN2 है ना, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब कौन सा सॉल्वेंट कह रहे हैं कि SN2 में चलेगा। देखो बच्चों, सॉल्वेंट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, पोलर अप्रोटिक और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। ये सारे हमारे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, वाटर, मिथानॉल, इथानॉल, अमोनिया, ये सारे। और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट कौन से, डायमिथाइल सल्फोक्साइड, इस तरह से ये सारे हमारे पास पोलर एप्रोटिक हैं। अब पोलर प्रोटिक जैसे वाटर है, वाटर हमेशा क्या ये जो होता है ना SN2, पोलर अप्रोटिक जो होता है हमारे पास ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करवाता है, ये SN1 कराता है। अब देखो वाटर SN1 कैरी करवाएगा तो वाटर हट गया। फिर ये अल्कोहल है जैसे इथानॉल है, तो मिथानॉल, इथानॉल, ये सारे SN1 रिएक्शन कैरी करवाते हैं। हमसे पूछ रहे हैं SN2 का सॉल्वेंट क्या हो, तो जब सॉल्वेंट मतलब एरो के ऊपर हम सॉल्वेंट लिख रहे होते हैं ना रिएक्शन में, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा है CH3SO CH3, वो ये चीज़ है DMSO4, मतलब डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3CH3, इसको हम DMSO कह सकते हैं, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। तो ये हमारे पास कराएगा SN2, और डी तो हमारे पास पोलर है ही नहीं है, नॉन पोलर है, तो ऐसे ही ख़त्म हो गया, तो SN1 SN2 कुछ नहीं कराएगा। तो ये आपको चार्ट याद रखना है कि कौन सा SN1 कराएगा, कौन सा SN2, तो ये आपको याद होना चाहिए कि ये सारे हमारे पास SN1 कराते हैं, ये सारे हमारे पास SN2 रिएक्शन कैरी आउट करवा रहे होते हैं।
ठीक है, जब आप इसको PDF दे दूंगा तो आप वहाँ से लिख लेना उसको कॉपी में। तो इसका सी ऑप्शन हो गया, चूँकि डाईमिथाइल सल्फोक्साइड दिस इज अ सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। अभी डिटेल में नहीं जा रहा, बाकी लेक्चर्स हैं इसके, मैंने सारे अपलोड किया हुआ, घंटों घंटों का लेक्चर अपलोड किया हुआ इसकी डिटेल्स, आप घर पर भी देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत लंबी कहानी होती है ना, पूरा सब्स्टिट्यूशन समझाने में 2-3 घंटे लग जाते हैं, सॉल्वेंट क्या है, रिएजेंट क्या है। मैं अभी सिर्फ MCQ सॉल्व करा रहा हूँ, तो उसके लिए शॉर्टकट वे पर मैं बता रहा हूँ। 66 है, द फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये आसान सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या फार्मूला है? ये आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 में, सेकंड ईयर चैप्टर 3 में पढ़ा होगा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा होगा इसको अपने, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, कि हेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट को कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, मतलब कैल्शियम सल्फेट के साथ हाफ H2O लगा हुआ, यही है ना भाई, ए ऑप्शन। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा हो सकता है CSO4 twice.H2O, ऐसे भी लिखा जा सकता है, या फिर CSO4 dot half H2O। ऑल दीज टू आर द फार्मूलाज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, जिप्सम को हीट करने से बनता है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है, द आयनिक कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आर साइमल्टेनियसली प्रेजेंट इन द मॉलिकुलर ज्योमेट्री ऑफ, मतलब इन चारों में से वो कौन सा कंपाउंड है जिसमें आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, तीनों तरह के बॉन्ड जिसके अंदर हमारे पास पॉसिबल होंगे, एग्जिस्ट करेंगे, आयनिक भी, कोवेलेंट भी, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट भी। देखा, अमोनिया के अंदर सिर्फ कोवेलेंट होता है, ओनली कोवेलेंट, इसके अंदर सिर्फ कोवेलेंट होगा अमोनिया में। अगर आप अमोनिया के स्ट्रक्चर बनाओगे ना, तो जाहिर सी बात है आपको उसमें कोवेलेंट मिलता है बस, अमोनियम। अच्छा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी नहीं होगा, इसमें भी सिर्फ कोवेलेंट होता है, वाटर भी नहीं होगा, इसमें भी सिर्फ आपको पता है कोवेलेंट होता है, मिथेन भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी सिर्फ कोवेलेंट होता है, पता है ना भैया। तो आपको अब बच गया हमारे पास बी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसमें तीनों बॉन्ड होते हैं, ठीक है, NH4OH है ना, तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ये हमारे पास NH4 और यहाँ OH-। तो पहली बात तो आपको इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहे हैं, फिर ये एरो से आपका कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहा है, और ये प्लस से पूरा तो कैटाइन है, और ये OH- है तो ये एनाइन है, और दोनों के बीच की अट्रैक्शन है, तो कौन सा बॉन्ड बनती है दोनों के बीच के अट्रैक्शन से, आयनिक बॉन्ड बनता है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में आपको तीनों तरह के बॉन्ड मिल सकते हैं, इस तरह से NH4Cl के अंदर भी आप देखते थे, अमोनियम क्लोराइड में भी आयनिक कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, तीनों तरह के बॉन्ड दिख जाते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट ईयर चैप्टर 4 से MCQs उठाए उन्होंने केमिकल बॉन्डिंग से, तीनों तरह के बॉन्ड किसके अंदर एग्जिस्ट करेंगे। 68, ऑल अमाइनो एसिड्स कंटेन द फंक्शनल ग्रुप, हर अमाइनो एसिड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है? ये तो बायोकेमिस्ट्री से निकाल लिया उन्होंने क्वेश्चन, सेकेंड ईयर चैप्टर 10 केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, बायोकेमिस्ट्री। अमाइनो एसिड आपको पता है ना कि अमाइनो एसिड में दो ग्रुप होता है, अमाइनो और एसिड, कार्बन एक तरफ COOH होता है और एक तरफ NH2 होता है, दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड। अब यहाँ पर एक ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है, COOH NH2 ग्रुप भी है और CO2H ग्रुप भी है, इसका मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, इजी क्वेश्चन है बहुत ही। नेक्स्ट है, एलेनिन, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफेन, ये हमारे पास क्या है? देखो, एलेनिन, लाइसिन, लाइसिन ये तो बड़े मशहूर कंपाउंड्स हैं, दीज आर ऑल द अमाइनो एसिड्स, ये अमाइनो एसिड्स होते हैं, एलेनिन हो गया, लाइसिन हो गया, ये सब हमारे पास बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं, दीज आर द अमाइनो एसिड्स। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, वॉट हैपन्स वैन 1 मोल ऑफ इथेन इज मिक्सड इन द डार्क रूम टेम्परेचर, इन द डार्क एट रूम टेम्परेचर विद 6 मोल्स ऑफ क्लोरीन। अच्छा, यहाँ पर इथेन का कह रहे हैं कि इथेन का जो रिएक्शन है क्लोरीन के साथ करा रहे हैं। अब इथेन का क्लोरीन से जो रिएक्शन हो रहा है, दिस इज एक्चुअली हैलोजिनेशन, और हैलोजिनेशन रिएक्शन कैसा होता है बच्चों? दिस इज अ फोटो केमिकल रिएक्शन, दिस इज अ फोटो केमिकल रिएक्शन, और फोटो केमिकल रिएक्शन कौन से रिएक्शन होते हैं? विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फोटो केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं? अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वो तमाम रिएक्शन जो के सूरज की रोशनी के या नॉर्मल किसी भी रोशनी की मौजूदगी में होते हैं, अगर लाइट नहीं होगी तो रिएक्शन भी नहीं होगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं डार्क रूम है, डार्क रूम में हम रिएक्शन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात रिएक्शन तो होना नहीं है, तो क्या ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर? ए ऑप्शन, देर इज नो रिएक्शन, कुछ भी नहीं बनेगा, बिकॉज देर इज नो लाइट। आपने पढ़ा होगा उसको सेकेंड ईयर में, चैप्टर 7 में था ना ये, हैलोजिनेशन ऑफ मिथेन पढ़ी होगी आप लोगों ने, क्लोरिनेशन ऑफ मिथेन फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म से होता है, तो वो हमारे पास एक फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ
2017 में जो डाओ का पेपर आया था, तो कुछ मुश्किल थे कुछ आसान थे, हर तरह के क्वेश्चन इसमें आस्क किए गए, मैंने सारे आपको बता दिए, घर पे आप इसकी रिप्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार।